इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवित नगरवाल और आप देख रहे हैं देवदन अवर एसर टेलीकॉम चैनल। यहाँ पे आप कुछ गैजेट की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग टूल की, हमारे लिए वो गैजेट ही है। तो कुछ मैंने टूल्स अपने पर्सनल यूज के लिए बुलाए हैं, तो मैं सोच रहा था वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो देखिए क्या बुलाया है, और ये जो भी आपको टूल दिख रहे हैं सारे टूल्स मैंने जेडएक्स मलिक के बुलवाए हैं। अगर आपको इसमें से कोई सा भी टूल परचेस करना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर नीचे दिख रहा होगा। काफी अच्छे दाम पे और रीजनेबल प्राइस पे ये टूल है, और काफी मैं सच बताऊं टूल में है ना, एक सभी बेचते हैं पर एक ओरिजिनल टूल मिल पाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, क्योंकि मार्केट में टूलों की कॉपी बहुत चलती है। अभी आपको सेम टूल सेम कंपनी का सेम डिब्बे के साथ आपको मिल जाएगा, बट आपको ओरिजिनल कैसे मिले, तो वो एक सही बंदे से खरीदने पर ही मिल पाएगा। अगर आप किसी भी तीसरी दुकान से टूल खरीदेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ओरिजिनल मिल पाएगा। आपकी ही सोच, आपको कहां से लेना चाहिए, पर आपको जेडएक्स मलिक से लेना है तो नीचे नंबर मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या क्या बुलाया है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिखाइए थोड़ा पास लाके। ये मैंने दो जेबीसी की बिट बुलाई है, एक मेरे लिए पर्सनल, एक क्लास के लिए जेबीसी की बिट। मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ लगती है, दिखाइए। ये देखिए इधर आइए, ये जेबीसी, यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी बिट, नाइफ बिट हमने इसकी बुलाई है। ये देखिए अब इसकी बिट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो काफी इसको मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है इस आयरन को, 1.5 साल से भी ऊपर हो गया शायद, और अब इसका टाइम आ गया इसके बिट चेंज करने का। इसकी बिट क्या क्या रेट है, क्या है सारी चीजें, तो आपको जेडएक्स मलिक ही बता पाएंगे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों टूल के प्राइस अक्सर बदलते रहते हैं। मैं आपको बिट दिखाना चाहूंगा और एक एक करके मैं आपको सारा सामान दिखाता हूँ। ये देखिए बिट यहाँ पर, ये देखिए ये ओरिजिनल बिट है, यहाँ पे दिखाइए। तो यहाँ से हम आपको देखो, ये इसका सीरियल नंबर है और ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी नाइफ। सो ये नाइफ बिट है बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे इसका मॉडल नंबर, यहाँ पे इसका कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा। ये देखिए जेबीसी, जेबीसी एक आईफोन की इंडस्ट्री का सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर बात करो एंड्रॉयड में कौन है, तो वो है सगुन। तो काफ़ी अच्छा है और 90% आईफोन यूजर्स इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा महंगा है पर बहुत अच्छा है, वन टाइम यूज़ है। तो ये दो मैंने बुलाए हैं, उसके साथ दिखाइए यहाँ पर, यहाँ तो स्टेंसिल्स बुलाई है मैंने, ये आप स्टेंसिल देख रहे होंगे, WL की स्टेंसिल है यहाँ पर, और ये WL की स्टेंसिल यहाँ पे मैंने बुलाई है। ये देखिए अब ये स्टेंसिल को मैं बताता हूँ कौन कौन सी स्टेंसिल बुलाई है, कैसी स्टेंसिल है इसकी। तो ये ब्लैक स्टेंसिल है, और ये स्टेंसिल जो मैंने बुलाई है, जैसे आप मॉडल देख सकते हैं 6S SSP यहाँ पर, और भी मैंने मॉडल बुलाए हैं, जैसे यहाँ पर बुलाए हैं आप देख सकते हैं XR और XX Max, जिसमें यहाँ पे A12 CPU होगा, और इसमें आपको A9 CPU और उसके बाकी सेगमेंट IC देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 88P A11 CPU के साथ उसकी RAM और उसकी सेगमेंट ICs। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7 और 7P सिम, एंड यहाँ पे मिलेगा 6 और 6P A8, बस 812 नहीं है, A13। सो 812 नहीं है, मैंने A13 नहीं है, A12 CPU है पर A13 नहीं है, मुझे A13 CPU की भी स्टेंसिल चाहिए थी, अभी वो मार्केट में नहीं है। काफ़ी अच्छी स्टेंसिल है दोस्तों, और अगर मैं 2D स्टेंसिल्स बोलते हैं इनको, तो WL की स्टेंसिल मैंने बुलाई है, काफ़ी अच्छे रेट में मैंने उसको बुलाया है। ये देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ मैंने जो लेयर होती है उनको रिबॉल करने के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लेयर, जिनको नहीं पता यहाँ ये देखिए, अभी हाल ही में ही मैंने यहाँ पर, मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा, दिखाइए। तो अभी हाल में ही जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेसमेंट का काम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बेसमेंट IC यहाँ पे निकाली गई है। तो ये जो लेयर होती है, ये लेयर आपको यहाँ पे ये दिखेंगी, ये लेयर को रिबॉल करने के लिए, ये जो लेयर होती है इसको रिबॉल करने के लिए जो स्टेंसिल्स होती है ना, उनको लेयर स्टेंसिल बोलते हैं। तो ये स्टेंसिल आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस किस सेगमेंट के और कौन से सेक्शंस के यहाँ पर आपको स्टेंसिल मिलेगी। तो ये भी WL की है,
जैसे ये आप देखेंगे ये है प्रो मैक्स, और उसके अलावा ये देखेंगे एसएक्स मैक्स, और ये देखेंगे आप 11। तो देखो यहाँ पे 11 की मिल गई है, 11 की आईफोन 11 की यहाँ पर स्टेंसिल है, काफ़ी नॉर्मल और बहुत इजीली हो जाती है ये। अच्छा, एक बार परचेस करना है, अच्छी स्टेंसिल परचेस करें तो बहुत काम आसान हो जाता है। सस्ते टूल दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ बिगिनर को भी नहीं लेने चाहिए वो मार्केट के, मतलब अगर आप महंगे मोबाइल में काम कर रहे हो तो सस्ते टूल में कोई फायदा नहीं है। चलिए नया प्रोडक्ट लेके चलते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट के बारे में मैं खास रिव्यू दूंगा, ये है DNR का, इसको ड्रिलिंग, इसको बोलते हैं माइक्रो ड्रिलिंग पैन। ये अभी सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में और बहुत कम इस पर वीडियो है। इसको रिव्यू देखेंगे, इसको इसकी कैसे देखें, इसकी देखेंगे इसकी जो ड्रिलिंग है वो कैसी, कितनी स्पीड में होती है, और क्या हाथ में यूज करने पर कैसा लगता है, और इसमें क्या क्या चीज किस किस के लिए है, तो सारी चीज देखेंगे। जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मैकेनिक का एक बूट केबल, दिखाइए। तो यहाँ पर ये आप देख रहेंगे मैकेनिक का बूट केबल, जो कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्टेड मॉडल यहाँ पर 2000+ है। ओवर करंट प्रोटेक्शन, सर्किट प्रोटेक्शन जिसको OBP और OCP कहते हैं, और आइडेंटिफिकेशन रेजिस्टेंस। यहाँ पर एंड्रॉयड में कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 पिने आपको एंड्रॉयड में देखने को मिलेंगी, और आईफोन में 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें आपको 8 से लेके 6, 6 से लेके 11 प्रो तक आपको देखने को मिलेगा। ये आईफोन के लिए है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। और भी चीज़ें यहाँ पर नीचे दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको बताया गया है कौन कौन से मॉडल यहाँ पर सपोर्टेड हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पर बताई है। हुबाबे, सैमसंग, जाओमी, हुबाबे, सैमसंग, सौमी, ग्लोरी, ओप्पो, वीवो, मेजू, रेडमी और बहुत सारे हैं। तो चलिए खोलते हैं इसको। ये देखिए, इसको बोलते हैं बूट केबल, ये इसका प्लस और माइनस मैं यहां पे लगाता हूं, आपको दिखाता हूं। अभी जो मैं बूट केबल यूज कर रहा हूं वो आप देख सकते हैं, काइंडली की बूट केबल मैं यूज कर रहा हूं आई पावर मैक्स, ये हालांकि सिर्फ आईफोन की है, और एंड्रॉयड की मैं अभी बूट केबल यूज़ नहीं कर रहा, मैंने इसके लिए एंड्रॉयड की बूट केबल बुलवाई है, तो उसमें आईफोन भी इंक्लूडेड है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ऑब्वियस है कि अगर वो ब्लैक है तो ये रेड ही होगा, तो हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा हार्डली पुश करना होता है इसको, ये देखिए, तो ये देखिए ये एक्टिवेट हो गई है, आप देख सकते हैं लगाते साथ ही इसमें लाइट जल गई है, इसका मतलब है कि इससे अब करंट बकायदा इसमें जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए, तो ये शॉर्टिंग का एक आपको यहाँ पर अंदाजा होगा कि किस तरह से शॉर्ट हो रहा है। और यहाँ पे केबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये केबल है काफ़ी अच्छी। इस मैकेनिक की केबलों की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसकी वायरिंग काफ़ी एक काफ़ी अच्छे क्वालिटी की वायर होती है इसके अंदर, और वायरों पर जो ये सील्ड आपको कवर आपको देखने को मिल रहा है पहले से ही किया होता है। कई केबलों में क्या होता है, कवर नहीं होता दोस्तों, जिस कारण ये क्या होती है, ये कट जाती है, टूट जाती है। आप देख रहे होंगे कि इनके पीछे ये देखिए आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, केबलों के पीछे कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, तो जनरली ये कंपोनेंट आपको जो BSI और जो BTM की होता है उनके लिए जनरली ये कंपोनेंट होते हैं, तो इस तरह से ताकि फोन को ऑन होने में कोई दिक्कत ना जाए, और प्रोटेक्शन सर्किट भी लगे हुए हैं क्योंकि फ्यूज रजिस्टर और कोड रजिस्टरों का यूज किया गया है इनके पीछे। यहाँ पर हर तरह की आपको इसमें केबल देखने को मिल रही है, यहाँ पर जैसे देखिए ये आईफोन की केबल है, तो अलग ही यहाँ पर प्रिंट कर दिया है आईफोन की केबल को, और ये एंड्रॉयड की केबल है, अलग ही से दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये आईफोन की केबल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, हालांकि इसमें कोई आपको बटन देखने को नहीं मिलेगा, जनरली आईफोन के उसमें आपको इस तरह से बटन देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप पावर की दबा के इसको ऑन भी कर सकते हैं, पर ये बहुत हद तक काम करते हैं, उसके बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छी एक केबल है, तो चलो ये भी हम देखेंगे इस केबल से। और अब आते हैं
ग्राइंडर पर सबसे अच्छा प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये फेटोली को हम आपको बताएगा। चलो इसको ओपन करते हैं। तो डिब्बा को, अच्छा डिब्बे के बारे में जानेंगे, थोड़ा पास लाइए। तो यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन की क्या क्या आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिशिंग आप कर सकते हैं, रस्ट और कटिंग और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू को रिकवर करना है वो आप कर सकते हैं, और मदरबोर्ड सीपीयू यहाँ पे ग्राइंडिंग, यहाँ पे सीपीयू ग्राइंडिंग यहाँ पे बताया गया है। नो डैमेज ऑफ ऑफ द सरफेस ऑफ कंपोनेंट, तो बहुत सारी चीज़ हैं और कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं। बाकी मॉडल नंबर है और यहाँ से आप इसका बारे में और जान सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, सीपीयू ग्राइंडिंग, सीपीयू रिकवरिंग, कटिंग, क्रेड, रस्ट और पॉलिशिंग या ग्राइंडिंग की बात करें तो ये बहुत सारी चीज करती है। चलिए आप देखेंगे आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो ये है आपका ड्रिलिंग मशीन, देखो कितना छोटा हो गया है, एक कितना बड़ा ड्रिलिंग मशीन आता है जो आपको बाजू में फोटो में दिखाई दी होगी, कितना छोटा सा। और ये इसका पावर बटन यहाँ पर ड्रिलिंग लगता है और यहाँ पे इसके सेल यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेल लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दो सेल मिलेंगे, तो ऑलरेडी दो सेलों का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए एक सेल यहाँ पर इसके अंदर है और एक सेल ये, तो यहाँ पे दो आपको सेल देखने को मिल रहे हैं। 4.2 वोल्टेज और मिनिमम 2.7 के साथ में यहाँ पर ये बता रहा है द वोल्टेज ऑफ फुल चार्ज अभी होता है और डिस्चार्ज के टाइम पे अल्ट्रा फायर ये सेल काफी 3.7 वोल्टेज के यहाँ साथ में। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसको लगाना कैसे है, तो आपको यहाँ पर देखना है सेलों पे, ये प्लस सिरा आपको अंदर लेना है, माइनस सिरे को बाहर रखना है और आपको इसको फिर कस के लगा देना है। ये देखिए आपको इसको लगा देना है। अब इसको बटन को दबाएंगे, मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है इसकी वजह से। दिखाइए यहां पे, दिखाइए ये देखिए, कितना पावर है इस छोटी सी मशीन में। चलिए अब इसके साथ और क्या मिलता है, सबसे अच्छी बात है इसमें आपको एक चार्जर मिलेगा, या आप अपने घर में भी सेल को जो आपके चार्ज, क्योंकि ये जो सेल है ये रिचार्जेबल है, मतलब आपको दूसरा सेल खरीदने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे यूज करना है तो मैं आपको बताता हूं। इसको यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए तो आपको ये माइनस सिरे को यहां रखना है और तो आप यहां देखेंगे, ये देखिए आप यहां पे देखेंगे कि लाइट जल गई यहां पर एक, इसका मतलब है ये आपका सेल लग गया है। अब आपको क्या करना है, इसको लगा देना है सॉकेट में, यहां पे दिखाइए इस तरह से सॉकेट में, तो ये सेल आपका चार्ज होना लग जाएगा। तो काफी अच्छा है ये, तरह से इसको दिया हुआ है कि कोई पीछे ना, ये तरह से प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, काफी अच्छा चार्जेबल सेल के लिए। दूसरा इसमें क्या है, एक क्लीनिंग के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लीनिंग के लिए है कि आपको अगर क्लीन करना है पीछे बैक ग्लास, ग्लास होता है ना जो आपके मोबाइल फोन के पीछे का कैमरे का ग्लास होता है, उसको क्लीन करने के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है, कैसे यूज करें, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये मिल गया इसका खुलने का बटन। अब देखिए सबसे पहले आपको एक एलन की आपको दिखाई दे रही होगी, तो आपको क्या करना है, ये छोटा सा जो स्क्रू दिख रहा है ये स्क्रू लेके आपको यहां रखना है। दिखाइए ये देखिए, यहां दिखाइए, तो ये स्क्रू आपको इस एलन की में लगाना है इस तरह से, और इसको आपको यहां रख के इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से बस, और छोड़ देना है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए, और जैसे कि बताया रिकवरी ऑफ सीपीयू, तो मैं रिकवरी ऑफ सीपीयू यूज करूंगा यहाँ पर। तो आपको इसको इस तरह से, अब देखिए ये ऑलरेडी मैंने बहुत टाइट कर दिया है,
तो मैं इसको थोड़ा सा ढीला करूंगा, ये देखिए। तो मैं इसको अंदर डालूंगा, ये देखिए। ये आपको इस तरह से अंदर डालना है जितना आपको इच्छा हो, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये आपके जो स्क्रू है उस तक आपको पहुंच जाए। फिर आपको ये स्क्रू लगाना है, इसके लिए आप एलेंकी का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और ये आपको स्क्रू थोड़ा सा हल्का सा टाइट करना है, ये देखिए हल्का सा टाइट करना है, ताकि आपका ये जो निडल है एक तरह से ड्रिलिंग करने की, ये निकले ना, देखो ये देखिए। चलिए अब इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या यूज है। तो ड्रिलिंग करेंगे हम यहां पर, हटाएंगे। देखिए कितनी जल्दी मैं अपनी यहाँ पर आपको थर्ड लेयर में आते हुए, कितनी जल्दी मैंने यहाँ पर इस लेयर को टच किया, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ कितनी जल्दी, देखिए इधर कितनी जल्दी मैंने इस लेयर को यहाँ पर टच किया, जबकि इस लेयर तक अगर हम नॉर्मल से जाएं तो भी हमें टाइम लगता है, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, इसका स्पीड काफ़ी तेज है और काफ़ी पेन काफ़ी नुकीली और बहुत ज़्यादा हैंडी है। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अभी तक के आईफोन यूजर्स के लिए, मैं सबको रिकमेंड करूंगा ये परचेस करो, और काफ़ी अच्छा है, हल्का सा बट हैंड वाइब्रेट होता है, कौन से है इसके, क्योंकि एक बहुत महंगा इसके ऊपर भी आता है 6-7-8 हज़ार का, ऑब्वियस है एक अच्छा टेक्नीशियन वो भी यूज़ कर रहा हो, अब ऑब्वियस है कि अच्छा टेक्नीशियन वो भी यूज़ कर रहा होगा, पर ये सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा ये टूल्स बताइएगा जरूर एसर टेलीकॉम के चैनल पे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और बहुत सारे रिपेयरिंग के वीडियो हम डालते रहते हैं। अभी हमने एक लेटेस्ट आईफोन स्टाकॉन लोगो 6 का वीडियो डाला हुआ है, जिसपे हमने नैंड रिप्लेस करके पूरा एक प्रैक्टिकल रिव्यू के साथ में बताया है, देखिएगा जरूर एसर टेलीकॉम चैनल, सर्च कीजिए। और अगर लाइव वीडियो देखना है हमारे इंस्टीट्यूट के, तो फेसबुक में जाइए और लिखिए एसर टेलीकॉम, और उधर हमारे को फॉलो कीजिए, और उसके साथ देखिए हमारे डेली लाइव वीडियो जो हम क्लास में बनाते हैं अपने स्टूडेंट के साथ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आपको एक लाइव मोबाइल यहाँ पे दे दे, तो आप में से कौन कौन सी पावर आईसी सीपीयू एमएमसी निकाल के बाबा चालू कर लेगा? आप लोग सब चालू करेंगे। आपने यहाँ पर ये सारी चीजें किए कि नहीं किए? एक बार किए या दो बार किए? बहुत बार किए, ठीक है। तो अगर कितनी बार किए हैं, जैसे सपोज 10 बार यहाँ पर बहुत लोगों ने किया है ना, यहाँ पर आपके सेट में भी किए कि हमारे सेट में किए? आपने अपने सेट में किए, 4G सेट में किए कि 3G सेट में किए? 4G सेट में किए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?